एक ही आपके पास आएंगे, बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। मेरा सवाल एक ही खासतौर पर मैं एक सोर ले जाना चाहता हूँ। जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहा जाता है, बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, हम बजट में देख रहे हैं 14 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो सकती है, उनको लेकर टोकन मनी का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है, कई सारी मेट्रो परियोजनाएं हैं, शहरों के अंदर पार्क हैं, उनको लेकर इस बजट में खास तौर पर रखा जा सकता है। पुरानी योजना में अयोध्या गंगा का हमने जिक्र किया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट रहा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की हम बात करें, एक समस्या जो शुरुआत से बनी हुई है, फिर वो चाहे उद्योग को लेकर बात करें, पर्यटन को लेकर बात करें, क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन है लेकिन आज भी दबी हुई हैं। किसानों की बात करें, पानी की बात करें, इन चीजों पर फोकस करने की मेरे ख्याल से अगर हम लखनऊ में दो नए फ्लाईओवर बना दें 4-4 लेन के, उससे ज्यादा जरूरी जो आज की तारीख में बुंदेलखंड है। नहीं देखिए, आपने अत्यंत सही कहा, किसी भी देश या प्रदेश का विकास केवल मेट्रो का विकास कर देने से नहीं होता है। बीजेपी का एक मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका अप्रोच बड़ा इंटीग्रेटेड है, टाइम लगेगा। मैं ये मानता हूं उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो इतनी ज्यादा अपार संभावनाएं हैं, संभावनाएं जितनी यहां पे है उसके हिसाब से अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ, बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है। यूपी को अगर पूरा डेवलप करना है तो आप 4 पार्ट में बांटिए, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल हो गया, सेंट्रल यूपी कर दीजिए और आपका ये वेस्टर्न यूपी, ये जितने भी पार्ट हैं हर पार्ट को इंडिविजुअल पार्ट मानते हुए आप ग्रो करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो और सबसे बढ़ के कानून और सुरक्षा व्यवस्था, यानी सुरक्षा तंत्र को हाईटेक करिए, मजबूत करिए, पुलिस वगैरह इन सब चीजों को। तो केवल ये प्रॉब्लम केवल बुंदेलखंड की ही नहीं है, मैं वहां पे भी जाऊं, उत्तर प्रदेश के जितने हिस्से हैं अपने आप में बड़े विशेष हैं और अपने आप में वो एक स्वतंत्र इकोनॉमी की तरह वो डेवलप हो सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड अपने आप में सक्षम है कि अगर वहां फैक्ट्री लगाई जाए तो उसका कंजम्पशन भी वहीं हो जाएगा। यूपी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप यहां प्रोडक्शन करिए और रेडीमेड मार्केट आपको अवेलेबल है क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एक रेशियो मैं आपको बताता हूं, कोई भी कंपनी जो इंडिया लेवल पे कंज्यूमर गुड्स की है, टॉफी वगैरह ये सब जो होते हैं FMCG की, 45% बिजनेस ऐसी कोई कंपनी जो पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट करती है, जिसका माल पैन इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑन एन एवरेज 45% बिजनेस उसको नॉर्थ से आता है। नॉर्थ में भी एक मेजर हिस्सा आप ये देखेंगे तो लगभग 15-20% यूपी से आता है। मेरे कहने का मतलब यह है यूपी केवल एक ऐसी जगह है जहां पे हर चीजें एक स्वतंत्र इकोनॉमी स्वतंत्र देश के लिए, यही प्रोडक्शन करिए आप, यहीं पे आपको लेबर मिल जाएंगे, लेबर आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं। यूपी में इतनी यूनिवर्सिटी है कि उनको थोड़ा सा रिसर्च लेवल पे आप डेवलप कर दीजिए तो टॉप लेवल के टैलेंट आपको यहीं से मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज हर एरिया में देखेंगे तो एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, AMU, BHU वगैरह, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज का इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो बढ़ा रहे हैं। देखिए, करना कुछ नहीं है, करना केवल ये है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी और कानून व्यवस्था डेवलप करनी है। पूरी दुनिया अपने आप आएगी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट और इंड यूजर, इंड कंज्यूमर यहाँ पे अवेलेबल है। इसको कोई नकार ही नहीं सकता है, यूपी को कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर यूपी को नकार ही नहीं सकता है जिसको इंडिया में ऑपरेट करना है। देखिए, बाकी सारे नारे भूल जाइए लेकिन बिजनेस के मामले में मैं बोलता हूँ, इकोनॉमी के मामले में, कि अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो यूपी में आपको आना ही आना है और यूपी में बिजनेस करना ही करना है। 45% मार्केट शेयर पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया जा सकता है यहाँ। लेकिन पिछले और एक अच्छा जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, किसी भी समाज, प्रदेश या देश के आगे बढ़ने के लिए जो सबसे प्राइमरी चीज होती है ना, वो होता है पीसफुल और सिक्योर फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड। मैं आपको ये बताता हूँ, इराक में इतना तेल है लेकिन ISIS वालों ने उन्हें मार काट मचाई हुई है, क्यों नहीं जाता है कोई, सारे इन्वेस्टर्स वहां से भाग गए। यूपी का भी कमोबेश ही है ये। देखिए, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल दो फैक्टर होते हैं, आपने फंड दे दिया एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बन जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी इतना होना चाहिए कि हर एक आदमी को ये फील होना चाहिए कि वो रात को 12 बजे भी जा रहा है, उसका माल जा रहा है, सेफ है, हरासमेंट नहीं होना चाहिए, न असामाजिक तत्वों के द्वारा और न सरकारी मशीनरी या ऑफिसर्स के द्वारा भी हरासमेंट नहीं होना चाहिए, और इतना ज्यादा फैसिलिटेशन इतना होना चाहिए कि सिंगल विंडो स्कीम आप देखिए कि पूरे अच्छे तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं।
इस तरीके की अगर आप व्यवस्था दे सकते हैं तो यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि यूपी बाहर के लोगों को भी बहुत ज्यादा रोजगार अवेलेबल करा सकता है। 8-9 स्टेट के साथ ये सीधे जुड़ा हुआ है। इसके बॉर्डर देखिए, यूपी डेवलप होगा तो क्या होगा, अगल बगल के स्टेट को भी तो फायदा मिलता है ना, रोजगार मिलता है, लोग आते हैं जाते हैं, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं अपने आप में, ये डेवलप हो, एजुकेशन हब बना सकते हो, ऑलरेडी यूपी एजुकेशन हब है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी चीजें हैं, आप इसी को डेवलप करिए ना, हर सेक्टर में आप यूपी को हब बना सकते हो। बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, दो चीजों की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा क्योंकि काफी देर से आपके पास हम आए नहीं। एक बुंदेलखंड का जो मैंने सवाल किया था, विजय दुबेरी से भी किया था, एक मिश्रा से भी किया था, वही सवाल आपसे, उधर ध्यान कब, और दूसरी बात कानून व्यवस्था का जिसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि अब बजट कितना ही बड़ा कर ले, योजनाएं कितने भी शुरू कर ले, एक बेहतर माहौल अगर हम दे पाए तो इन्वेस्टर्स भी आएंगे और उत्तर प्रदेश अपने आप में बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन वाकई में बड़ा बनेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जब बजट पेश होने पर मालूम चलेगा कि क्या है। अभी यही आकलन लगाया जा रहा है कि जो पहले का था प्रस्तावित या अधूरे परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने का ही आएगा, और निश्चित रूप से लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें जिस दायित्व पर चुनी जाती हैं, विकास पर और जो है राहत देने के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, वो लाना लोकतांत्रिक मजबूरी भी होती है और जरूरी भी होता है। तो मेरा तो ये विश्वास है कि सरकार जो है, चूंकि चुनाव कभी भी लोकतंत्र में कुछ ऐसे परिस्थितियां बन गई कि लगातार चल रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव होने हैं, उसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव होंगे, जैसे जिला पंचायत के चुनाव खत्म होंगे तमाम जगह पर प्रदेशों में चुनाव होंगे, और एक स्टेट की बजट, एक स्टेट की गवर्नमेंट की कार्यनीति और उसके जो है प्रेजेंटेशन से बाकी जगह भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी चूकना नहीं चाहेगी, वो कहीं से भी नहीं चाहेगी कि उसका बजट या उसकी कार्यशैली या उसके क्रियान्वयन में किसी कमी से अदर स्टेट में उसके चुनावी रणनीति पर असर पड़े। और भाजपा तो पूरी तरह चुनाव जीतने के बाद तुरंत वो चुनावी मोड में आ गए, तो कहीं ना कहीं चुनावों का जो डेमोक्रेसी का फायदा है वो जनता को मिलते हुए इसलिए दिखेगा, क्योंकि अगर आपको चुनाव जीतना है तो जनहितकारी नीति, जनहितकारी बजट, बही खाता, आप जो भी नाम दे वो आपको लाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लाएंगे तो विपक्ष भी हमलावर होगा और जनता भी समझेगी। अब ये तो वित्त मंत्री है, उनके ऊपर है कि पूर्व बजट में कौन सी नई चीज लाते हैं और जो पुरानी अधूरी पड़ी है उनको कैसे क्रियान्वित करते हैं, और क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बात है जो अभी गौरव मिश्रा जी ने अपने बात में कही थी, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी दो तरह का मेरी समझ में होता है, एक आर्थिक भ्रष्टाचार जिस पर हमारी निगाह ज्यादा रहती है, हम चर्चा भी कर लेते हैं, और दूसरा होता है कार्यशैली में भ्रष्टाचार। कार्यशैली में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक नौकरशाहों की कार्यशैली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मेरी समझ से असफल हुई है। अभी जो घटना सोनभद्र की हुई वो भी नौकरशाहों की गलत रिपोर्टिंग और उसके कारण इतना तूल पकड़ा। तो क्या जो बजट में जनहितकारी योजना को अपने हिसाब से भाजपा की सरकार, वित्त मंत्री अभी अनुपूरक बजट में भी पेश करेंगे, उसके क्रियान्वयन में ये नौकरशाह, लोक सेवक भ्रष्टाचार का, आर्थिक और व्यवहारिक दोनों भ्रष्टाचार का कहीं उपयोग तो नहीं करेंगे, उससे कहीं इनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को, बजट को पलीता तो नहीं लगेगा, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, 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 एक, एक, विद्रोही सर, एक चीज ये बताइए, आपने भ्रष्टाचार की बात की है, ये तो मोडस ऑपरेंडी काम करने की प्रक्रिया होता है। बजट में क्या प्रस्तुत करेंगे कि भाई भ्रष्टाचार के लिए कोई कानून आ जाएगा क्या? बजट एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, नहीं नहीं, जिसमें फाइनेंस का एलोकेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना, वो लॉ एंड ऑर्डर का, इथिक्स का, गवर्नमेंट की इथिक्स, वो सही है या गलत है, कितनी गवर्नमेंट खरी है मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बजट तो केवल एक फाइनेंशियल टूल एंड टेक्निक होता है ना जी। मिश्रा जी, जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जब हम विचार विमर्श करते हैं तो समग्र चिंता और चिंतन करनी चाहिए, हम बहस करने नहीं बैठे हैं, विचार विमर्श करने बैठे हैं। जब विमर्श करने बैठेंगे तो हमारा जो बजट पेश हो रहा है, सरकारों की मंशा निश्चित रूप से जन उपयोगी बजट पेश करने की होती है। अब बजट जो भी आएगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बजट को पेश करते समय हमको उस बात पर भी मेरी चिंता जाती है कि उस अच्छे बजट पर पलीता कहीं नौकर शाह की भ्रष्ट कार्यशैली, आर्थिक भ्रष्टाचार तो नहीं लगाएगा, इसलिए उस चीज को इंगित कर रहा हूं। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया ने इंगित करों का सूत्रवाक दिया जी। देखिए अजितेश, मैंने बहुत पहले ही ये बोला था कि सबसे प्राइमरी चीज किसी देश, परिवार, समाज के विकास के लिए होता है
स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब सुरक्षा की भावना हो, लॉ एंड ऑर्डर की भावना हो, भ्रष्टाचार ना हो, ये सब देखिए ये मोडस ऑपरेंडी, कार्य प्रणाली, क्वालिटेटिव, ये बजट जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्यू एंड क्यू, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो होता है वो सरकार के अफसरों के काम करने के तरीके, सर्विसेज की डिलीवरी कैसे होती है, अपराध में आप पुलिस मैकेनिज्म, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिसिंग कैसे कर रही है। सोनभद्र में जो हुआ वो निंदनीय है, काफी हमने डिबेट की थी। ये है फेल्योर ऑफ मैकेनिज्म, कार्य प्रणाली का। बजट उससे रिलेटेड ऐसे हो सकता है कि पुलिस को इक्विप्ड करने के लिए हाईटेक, जैसे उन्होंने बोला कि हम एक अलग चौकी खोलेंगे, मतलब उस पर कॉस्ट आएगी कुछ महीने की सरकार की, तो जगह जगह पुलिसिंग करने के लिए पुलिस की संख्या बल को बढ़ाना, उनको हाईटेक करना, उनको ऐसे इक्विपमेंट देना कम्युनिकेशन के, ये एक अलग चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि आपकी कार्यप्रणाली क्या हो, जितने भी गवर्नमेंट के इंप्लाई हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर की, कि जहां कानून की कमियां हैं उनके लिए मार्गदर्शन के लिए कानून बनाया जाए या विभागीय मार्गदर्शन दिया जाए, वर्क कल्चर वैसा डेवलप किया जाए, और वो टाइम प्रोसेस, मतलब वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, जहां इतना भ्रष्टाचार अपने देश और प्रदेश में है, विद्रोही जी भी अभी बोल रहे थे, मैं मानता हूं आए दिन भ्रष्टाचार, 10-10 रुपए के लिए भ्रष्टाचार सड़कों पे होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, इसके लिए लगातार प्रेशर बनाए रहिए, लगातार माहौल बनाते रहिए, जो दोषी हैं उनको दंडित करते रहिए, प्रिवेंटिव और करेक्टिव मैनर में गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तब जाकर के एक टाइम के बाद ऐसा स्वच्छ माहौल बन पाता है। तो ये जो बजट है, देखिए यहां पे मैं ये बोलता हूं कि अगर इन्होंने प्रॉपर वे में फंड को और सफिशियंट फंड को एलोकेट कर दिया, प्रॉपर वे के कहने का मतलब होता है कि अगर हम ये क्वालिटेटिव चीजों को हटा दें, जो बिहेवियोरियल चीजें होती हैं उसको अगर हटा दें, तो यहां पे ये होता है कि सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सबसे ज्यादा मानता हूं एक कनेक्टिविटी यानी मोबिलिटी, चाहे रेल के थ्रू हो, चाहे आप सड़क के थ्रू हो, और वाटरवेज भी यूपी में बहुत सारे शहरों में अवेलेबल है, नदियां वो हो, और दूसरी होती है इनर्जी। देखिए किसी भी इकोनॉमी को इनर्जी तो चाहिए ही ना ग्रो करने के लिए, मशीनों को चलने के लिए, बिजली वगैरह। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कंजम्पशन अभी भी यूपी में आप देखेंगे तो वो बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर स्टेट में। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी देना, घरों को अवेलेबल कराना, किसानों को कराना, फैक्ट्रियों को करवाना, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। इतना नहीं कि बहुत उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि आपका माल बिकेगा ही नहीं जब आप बाहर बेचने जाएंगे। तो बजट में अगर इन चीजों को एक सस्टेनेबल और कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के लिए अगर प्रॉपर वे में उन चीजों को चिन्हित करते हुए कि किस सेक्टर पे हमें अभी इमीडिएट फोकस देना है, किस सेक्टर को हमें बाद में देना है, कितने रेशियो में देना है, बजट की टेक्निकलिटी इस चीज में होती है जो बजट बनाने वाले होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स, जो बहुत बेसिक होते हैं पूरे इंजन को बूस्टअप करने के लिए, ग्रोथ के इंजन को। देखिए बजटिंग वगैरह का हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये इतना स्ट्रांग फाइनेंशियल टूल होता है कि अगर इसमें गलती हो गई, अब मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट कहीं और करना है, मनी एलोकेट कहीं और करना है, आपने दूसरे तरफ कर दिया, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं देखिए दो तीन चीजों में मैं बहुत मानता हूं, हालांकि ये सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ अभी बीजेपी की नहीं है। मैंने दो टर्म बोले थे, एक है इंटीग्रेटेड, ये जो गवर्नमेंट है ये इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही है, उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। समाज के जितने भी अंग होते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस इकोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया, सेंटीमेंट्स हो गए लोगों के, ये सारी चीजें, टूरिज्म देखिए आप, इसके पहले टूरिज्म पे फोकस था लेकिन इतना इंटीग्रेटेड वे में नहीं था कि सारे जगह टूरिज्म के लिए कॉरिडोर बनाना, स्पेशल रोड्स बनाना, ये टूरिज्म अपने आप में एक ऐसे, थाईलैंड की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। अच्छा हमारे यहाँ तो अयोध्या, मथुरा, प्रयाग में अभी देखिए कुंभ लगा था, कितने करोड़ों का बिजनेस हुआ। आप केवल फैसिलिटी दीजिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले डेवलप करिए कि वो वर्ल्ड क्लास की हो, सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद करिए कि जरा सी भी तकलीफ किसी ना तो यहाँ की जनता को हो ना बाहरी कोई इन्वेस्टर आए। उसके बाद स्पीड ऑफ डिलीवरी, क्वालिटेटिव स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पता चला हम फोन करते रह गए, हमने फाइल जमा कर दी, उसके बाद वो फाइल पड़ी हुई धूल खा रही है। भी आया था तभी विंडो सिस्टम का जिक्र हुआ, लेकिन वहां पर भी अगर हम सिंगल विंडो सिस्टम अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव। तो ये क्वालिटेटिव बिहेवियरल इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट के मैकेनिज्म का काम कर रहे हैं। इरफान मलिक जी, आप अपनी